कुछ और अहम जानकारी भी बता देते हैं कि दरअसल हुआ क्या था, घटनाक्रम क्या है, ताकि और स्थिति साफ हो जाए कि दरअसल क्या हुआ अकोला में, क्या हुआ अहमदनगर में। सबसे पहले अहमदनगर की बात करें तो अहमदनगर में दरअसल क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। शहर में संभाजी की शोभा यात्रा निकाली गई, शहर में ये जुलूस निकाला गया, छत्रपति शिवाजी चौक तक पहुंचा ये जुलूस। शहर में जब जुलूस निकाला जा रहा था तो इसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, अचानक शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। अभी तक जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक यही जानकारी है, कई दुकान और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी भी हुई, इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। पत्थरबाजी में दो पुलिसकर्मियों समेत 5 लोग घायल हो गए अहमदनगर में। इसके बाद इस मामले में जिस तरह का तांडव सड़कों पर देखा गया वो तस्वीरें सामने हैं। पुलिस ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज की और उसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हुआ। अकोला में लेकिन क्या हुआ था, यानी इसे ठीक एक दिन पहले शनिवार को अकोला में क्या हुआ था वो भी बता देते हैं। इंस्टाग्राम पर विवादित पोस्ट किया गया, एक विवादित पोस्ट इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया पर डाला गया। 13 मई की रात दो समुदायों में इसके बाद हिंसक झड़प हुई। ये भी बताया जाता है कि पुलिस थाने तक पहुंचे शिकायत दर्ज कराने के लिए, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई और वहीं पर आगजनी शुरू कर दी। पथराव के बाद कई गाड़ियों में आग लगा दी गई और फिर भीड़ बेकाबू हो गई, दुकानों और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई, बाजार बंद कराया गया। ये सब कुछ हुआ बवाल शनिवार को, तब जबकि कर्नाटक में चुनाव के नतीजे सामने आ रहे थे। एक शख्स की अकोला में इसके बाद मौत हो गई और दो पुलिसकर्मी घायल हो गए, यानी हिंसा इस हद तक पहुंची कि एक व्यक्ति की मौत हुई और दो पुलिसकर्मी अकोला में भी घायल हो गए। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले चरण सिंह सापरा जी, अगर मैं आपका रुख करूं, ये बार बार कहा जा रहा है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं एक के बाद एक, अकोला में घटना हुई, अहमदनगर में घटना हुई, इससे पहले भी हम अहमदनगर में इस तरह की हिंसा देख चुके हैं, ये क्या कनेक्शन है, क्या इसका, क्या इसे जोड़ सकते हैं कि एक तरफ जीत दर्ज होती है तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं शुरू हो जाती? नहीं सुमेरा जी, मुझे लगता है कि ये इस घटना का कोई भी कर्नाटका की जो राजनीतिक परिस्थिति है उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 13 तारीख को ये घटना अगर अकोला में हो रही है तो अकोला के जो गार्डियन मिनिस्टर हैं वो खुद होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैं, तो उनको क्या होम मिनिस्टर को नहीं पता था, क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? और अगले दिन यही जो पत्थरबाजी है ये फिर दूसरे शहर में नजर आती है, अहमदनगर में आती है और फिर छत्रपति संभाजी नगर के अंदर भी तनावपूर्ण परिस्थिति हो जाती है। तो कहीं ना कहीं शहर दर शहर अगर ये पत्थरबाजी हो रही है या फिर दंगे भड़काने का प्रयास हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है, ये कमजोरी है देवेंद्र फडणवीस की और खोखे सरकार की, ये कमजोरी है। खोखे सरकार अपने अलग कानून व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर बीजेपी से भी सवाल पूछते हैं और शिवसेना जो शिंदे गुट है उनसे भी सवाल पूछेंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे एक ही है कि जहां एक तरफ जब आप जीत दर्ज करते हैं तो हम देखते हैं कि धार्मिक झंडे फहराए जाते हैं, एक तरह का जोश और उत्साह दिखाई देता है, क्या बल मिलता है, क्या ऐसा है कि बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ काबू से बाहर हो गई, भीड़ कहीं इकट्ठा हो जाएगी और वो कुछ आगजनी करेगी, गाड़ियां तोड़फोड़ करेगी, ये कहां से इंटेलिजेंस के तहत पता लग सकता है कि कहीं पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट होने के बाद, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होने के बाद ऐसा कुछ करने? सुमेरा जी, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि कहां पर कोई घटना घट सकती है, उन्हें इंटेलिजेंस पहले मिलनी चाहिए। घटना घटने के बाद में अगर कोई इंटेलिजेंस वाला कहे कि हमको ये खबर बाद में मिली है तो ये उसका फेलियर है, ये उसकी नाकामी है, ये सरकार की नाकामी है। जो लोग कहते थे कि कर्नाटका में कांग्रेस अगर जीत करके आई तो कर्नाटका में दंगे होंगे, वो ये देख रहे हैं कि मणिपुर के अंदर दंगे हो रहे हैं, उन्हीं की सत्ता है। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पर सत्ता में है, महाराष्ट्र में, मणिपुर में, वहां पर दंगे भड़काए जा रहे हैं। श्वेता शालिनी से प्रतिक्रिया लेते हैं इस पर। श्वेता शालिनी जी, आपने सुना सापरा जी को, वो कह रहे हैं कि ये कहा गया था कि कांग्रेस जीतेगी तो कर्नाटक में दंगे होंगे, लेकिन वहां नहीं हो रहे हैं, वहां दंगे हो रहे हैं जहां आप सत्ता में हैं। श्वेता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें तब आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। श्वेता जी, आपका ऑडियो हम तक नहीं आ रहा है, आप अपने आप को अनम्यूट करें, तब तक मैं यही सवाल लेकर कृष्णा हेगड़े जी के पास जाऊंगी। कृष्णा हेगड़े जी, क्या इंटेलिजेंस फेलियर है, क्यों ये बार बार घटना हो रही है? और ऐसा नहीं है कि अहमदनगर में ये अभी घटना हुई है, इसके पहले भी अप्रैल में भी घटना हुई है, उसके पहले भी घटना हो चुकी है, बार बार इन्हीं इलाकों में इसी तरह की घटना होती है, तो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्या पुलिस और प्रशासन की नाकामी नहीं है ये? सुमेरा जी, ये जो राइट्स हो रहे हैं इसके पीछे एक पैटर्न है, और आपने खुद कहा कि औरंगाबाद में हुए या फिर इसके पहले संभाजी छत्रपति संभाजी नगर में हुए या फिर अकोला में हुए,
तो ये जो पैटर्न है ये कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन ताकत है? छपरा जी ने कहा कि ये खोखा सरकार है, लेकिन इनका नाम क्या था? MVA महावसूली आघाड़ी। और ये जिनका नाम महावसूली आघाड़ी था और वो आज हमको खोखा खोखा करके खुद के जो पाप है वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के राज में कितने राइट्स हुए। लेकिन आप ये कह रहे हैं पैटर्न है, आप ये कह रहे हैं पैटर्न है जिसके तहत दंगे होते हैं, वो क्या पैटर्न है, कौन है इसके पीछे? देखिए अभी जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि जैसे संभाजी नगर में ऐसे हुआ था कि जब राइट्स को काबू में किए गए थे तो भी ये जो UBT पार्टी है, ये किशोर तिवारी जी के पार्टी, उसके दो ex MLA ex MP और दूसरे नेता वहां पर भड़काऊ भाषण कर रहे थे, लोगों को इंसाइट कर रहे थे, दंगा करने के लिए ये कर रहे थे, टेलीविजन पे कर रहे थे। और देवेंद्र फडणवीस जी और दूसरे सब जो नेता है वो कह रहे थे कि वहां पर शांति बनाए रखे, वहां पर सेक्शन 144 लगाया गया था। तो आपके मुताबिक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उकसाने की कोशिश हो रही है। किशोर तिवारी जी सीधे ही आरोप लगा रहे हैं कि आप ही भड़का रहे हैं, आपकी पार्टी आरोप लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं, इसके लिए लगा रहा हूं। भड़का रहे हैं तब जबकि शांति की अपील करनी चाहिए।